ले रहे हो ना गोली? वही देख रही हूँ। हाँ याद से ले लो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। 2 दिन से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। जब से वैक्सीन लिया है थोड़ा वीकनेस आया है। जिस दिन वैक्सीन लिया था उस दिन तो उतना कुछ लगा नहीं, लेकिन उसके दूसरे दिन से थोड़ा वीकनेस स्टार्ट हो गया है। और आज 2 दिन हो गए वैक्सीन लेके। आज थोड़ा बेटर लग रहा है। और हाथ ऐसे ज़्यादा कुछ पेन नहीं कर रहा है। अगर सोने के टाइम में अगर ये साइड से अगर सो जाऊँगा ये हाथ पे तो थोड़ा पेन कर रहा है। अगर कुछ भी हाथ पे थोड़ा वजन होगा तो ही पेन हो रहा है, बाकी तो ठीक है। फिर भी 2 दिन से ऑफिस गया नहीं, छुट्टी पे ही हूँ, थोड़ी वीकनेस ठीक करके। और अभी उठे हैं, फ्रेश हो गया हूँ। और फरा अभी मेरे लिए चाय बना रहे हैं, चाय भी पीते हैं। वो तो मुझे 2 दिन से कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं, बस आराम करने दे रहे हैं। वो खुद ही पूरा घर का काम कर रहे हैं, मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा है। वो बोल रहे हैं कि बाकी टाइम आप करते ही हो, अभी आप बीमार हो, थोड़ा आराम करो। तो कल से तो मेरे को कुछ करने ही नहीं दे रहे, खुद ही कर रहे हैं। 2 दिन हम नहीं थे तो 2 दिन में कबूतरों ने फारा के झाड़ों की क्या हाल कर दिया है, ये देखो, ये तो पूरा ख़त्म ही कर दिया। ऊपर वो पोते को नीचे रख के गया था तो फिर भी वो लोग क्या कर रहे थे, ये तकिए के ऊपर बैठे थे, तकिए के ऊपर इतना गंदा कर रहे थे ना आने तक। बड़ी पत्ता के झाड़ को देखे फारा के क्या हाल कर दिया है कबूतर ने, पूरा पूरा ऐसा लग रहा है कि जैसे कीड़े खाने के बाद होता है ना, वैसा हो गया है। 2 दिन नहीं रहेंगे ना तो यही हाल है इधर। अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये पर्दा हटा के जो व्हाइट वाली जाली रहती है वो बिठाना बहुत बहुत ज़रूरी है। 2 दिन में उन्होंने इतना गंदा किया था तो अगर कहीं हम बाहर गए 1 हफ्ते के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। और ये सभी हमारे कपड़े हैं, अभी ये सब धोने के हैं। अभी फारा तो बोल रहे कि मैं ही धोती हूँ पूरे। जो हम गांव को गए थे अहमदनगर और औरंगाबाद, तब के अभी ये सभी धोना है। मशीन तो नहीं लगा सकते, मशीन तो ऑलरेडी घर में है। तो फरा को मैंने बोला कि मैं भी हेल्प करूँगा, वो मेरे को मना ही कर रहे हो। बोले नहीं आप बस आराम करो, इतना केयर कर रहे हो मेरी। ये चाय बना रहे अभी मेरे लिए। बन गई मम्मा? हाँ ठीक है, और आप नाश्ता भी कर लो। हाँ जिस दिन हम नगर से आए पुणे को, उस दिन तो मेरा चेहरा इतना उतर गया था, उस दिन तो इतनी बुखार थी मुझे कि कल का पूरा दिन तो मैंने आराम ही किया। कल हमने एक भी वीडियो नहीं बनाए, कुछ नहीं। मैं बोला फरा को मेरे से तो होगा नहीं, फरा भी बोले मैं भी थक गई हूँ, जाने दो, आज के एक दिन हम आराम ही करेंगे। आज थोड़ा फ्रेश होके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, आज थोड़ा चेहरा भी मेरा अच्छा लग रहा है, वरना कल तो पूरा पूरा उतर गया था मेरा चेहरा, कैसे ही लग रहा था, मैं खुद को अलग ही लग रहा था। ये चाय मेरी रेडी हो गई है, फरा ने ये चाय रखा है और ये बटर भी है, तो ये मेरा नाश्ता भी हो जाता है, चाय बटर। तो जल्दी से कर लेते हैं। अभी वापस से कोरोना बहुत फैल रहा है, बीमारी और ज़्यादा सुनने में आ रही है। तो आप लोग भी कहीं बाहर जाते हैं तो अपना मास्क यूज़ करें, अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, सैनिटाइजर यूज़ करें, क्योंकि बीमारी बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वैसे भी अभी पहले जैसे रूल्स वापस से स्टार्ट हो गए हैं, अभी वापस से सभी ऑफिस वालों को वर्क फ्रॉम होम देने का भी चला है। और शादी वगैरह में खाली 15 लोग ही अलाउड है, उससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सच में बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो आप सभी भी अपना भी ध्यान रखिए, मास्क यूज़ करें किधर भी जाते हैं। कबूतरों का दिमाग भी देखो कितना है। अभी फरा ने मुझे बताया ये जो पूरी कंठी दिख रही है ना, इसके जो छोटे छोटे ऐसे कंठी रहते हैं वो उन्होंने पूरे खुद से तोड़ के ना वहाँ पे घर बना रहे थे। तो अभी जब फरा ने वहाँ का पूरा क्लीन किया तो पूरा हमें उस इसी के कंठी मिले वहाँ पे, इसीलिए झाड़ ऐसे लग रहा है। फरा मैं वही कर रहा था, जाने से पहले कितना अच्छा था, फिर आने के बाद उन्होंने कितना दिमाग लड़ाया ना, हमारा ही पूरा नुकसान, हमारे ही झाड़ का पूरा लेके फिर हमारे उधर पूरा ये कर रहे थे। ये मोगरे का हमारा वैसे के वैसा ही है, इसको कुछ हुआ नहीं है, ये अच्छा बड़ा भी हो रहा है। जब हम औरंगाबाद जा रहे थे तो मैंने मेरे स्टोरी पे इंस्टा पे रखा ही था कि हम जाने वाले हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि औरंगाबाद में भी हमारे इतने ज़्यादा फ़ैन हैं, क्योंकि इतने सारे कमेंट आए आप लोगों के कि हमें मिलना था। लेकिन क्या हो गया, हम सिर्फ एक दिन के लिए औरंगाबाद आए थे, सिर्फ सुबह 11 बजे हम यहाँ से निकले तो शाम में 5 साढ़े 5 बजे हम वहाँ पे थे। फिर उसी रात हम रुके, दूसरे दिन हम वापस नगर को चले गए। अगर ज़्यादा दिन रुकना होता तो मैं ज़रूर आप लोगों से मिला होता,
हम दोनों आप लोगों से मिले होते, बातें कर रहे होते। इंशाल्लाह अगर कभी नेक्स्ट टाइम हमें जाने मिलेंगे तो हम ज़्यादा दिन रुकेंगे ताकि आप लोगों से भी मिलना हो हमारा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत लोगों ने वहाँ से हमें कमेंट किया, मैसेजेस किया, मिलना था लेकिन एक दिन में नहीं हो सका। और नगर में भी बहुत लोगों ने हमें किया और नगर में बहुत लोग आके मिले भी हमें घर पे, जिनको पता है कि हम कहाँ रुकते हैं वो लोग हमें आके मिले भी, क्योंकि नगर में हम एक दिन डेढ़ दिन रुके थे हम, ऐसे तो दो दिन ही पकड़ो, नगर में दो दिन हमें रुकना पड़ा, तो वहाँ पर मिले बहुत लोग और अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि आप चले गए या हो, लेकिन हम आ गए अभी। हम ज़्यादा दिन आते नहीं हैं, मुझे ज़्यादा दिन छुट्टी मिलती नहीं है ऑफिस से। इंशाल्लाह अगर कभी नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे तो ज़्यादा दिन छुट्टी लेके नगर को ही आएंगे। टीवी में हमारा व्लॉग चल रहा है जो कि औरंगाबाद का हमने अपलोड किया है, फैमिली गेट टुगेदर व्लॉग अपलोड हो गया है, जल्दी से जाके देखिए जिसने नहीं देखा है। तो चलिए चलते हैं, मैं आज फरा की हेल्प कर रहा हूँ खाना बनाने में। और अभी जस्ट मैंने क्या किया मैं बताता हूँ, फरा अभी बनाने वाले हैं चटनी और रोटी, तो मैं ये सेंगा के छिलके उनको पूरे साफ करके दिया हूँ, तो अभी मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ, उनको जो जो लगेगा मैं उनकी हेल्प करूँगा आज। तो फरा अभी झटपट बनाने वाले हैं जारे की रोटी और की रोटी जवार की, जारे की बोलते हैं हमारे इधर, जारी हाँ जारी बोलते हैं हमारे इधर, तो यहाँ पे जवार की रोटी बोलते हैं। और जब से ये जवार की रोटी बनाना सीख रहे हैं तब से इन्होंने चपाती बनाना बंद ही कर दिया है। हाँ, क्या चपाती मुझे मिली ही नहीं दो तीन दिन से, मतलब अभी तो दो तीन दिन हम गाँव में थे तो मिला ही नहीं मुझे वैसे भी। नॉन स्टिक पैन रखो ये वाला, चलिए इनके साथ मुझे भी थोड़ा सीखने को मिलेंगे। और आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि अगर समीर भाई को कुछ चैलेंज देना है तो आप उनसे कुछ अच्छी से डिश बनाओ जो आपको पसंद है फरा, वो अभी तो नहीं हम आगे उसका एक अलग ही ब्लॉग बनाएंगे जिसमें मैं फरा के लिए कुछ बनाऊंगा अच्छा खाने को, हमेशा ये मेरे लिए बनाते तो एक बार मैं इनके लिए भी बनाऊंगा। तो अभी इसको क्या करना है, वहाँ पे ये करना पड़ेगा ना, यहाँ पे करते हैं। तो आप पहले आप ये कर लो, फिर मैं वो साइड जाऊंगा ना तो मैं आपके पूरे साफ करके दे दूंगा, वॉश बेसन भी होंगे ना नीचे ना वापस बहुत कचरा हो जाएगा। हाँ ठीक है। और चटनी कौन सी बना रहे हैं आप, सेंधाने की, कितना होता लग रहा है, प्याज वाली खाएंगे ना? हाँ खाऊंगा, दूसरी बनाओ। नहीं नहीं खाऊंगा खाऊंगा, आप बोलो कौन सी खाने की बना, वही जो आपने परसों ब्रेड वाली बनाई थी ना? हाँ वही बना। अभी ये तवा तो रख दिया है फरा ने, गरम हो रहा है अभी, इस पे क्या तेल डालना है अपने को? नहीं जी। हाँ ये सब कर लिया, सब रेडी में रखा है इन्होंने, इसमें क्या है लहसुन। अरे फरा कब रखा आपने इतना छिलके लहसुन, मेरे को पता ही नहीं। और ये सब रेडी है, अभी वो आटा गूंद रहा है, ये डब्बा हटा दूं क्या यहाँ से, वो गर्म हो रहा है ना, नहीं, नहीं लगेगा ना। हाँ अच्छा ठीक है, अच्छा वो एक ही गैस चालू है क्या ये वाली? अच्छा ठीक है। जब हम औरंगाबाद जा रहे थे तब मुझे सर्दी बहुत हो गई थी, तो अभी भी थोड़ी थोड़ी है, लेकिन आज सुबह से फरक भी सर्दी बहुत हो गई है, पता नहीं क्लाइमेट के वजह से ऐसे हो रहा है। हाँ फरक, क्योंकि फरा को सर्दी क्यों हो गई, जब हम वापस पुणे को आ रहे थे नगर से तो इन्होंने बीच में ठंडा पानी बहुत ज़्यादा पिया है, बीच में हम रुके थे चिकन चिली खाने के लिए तो वहाँ पे इन्होंने ठंडा पानी बहुत ज़्यादा पिया, इस वजह से आपको ठंडी आई फरा, सॉरी सर्दी आई है। ये देखिए फरा, मजा आता होगा ना ऐसे करने है? अगर आप सिखा दोगे ना मुझे भी आ जाएगा, ये फिर भी देखना बन रही है ना वो क्या बन रही, शेप आ रहा है ना उसका, अच्छा अच्छे से ट्राई कर रहा हूँ, करो कोई बात नहीं, पर आप बनाते हो वो बड़ी बात है ना, और अच्छी भी बनती है। आवाज आना स्टॉप हो गया, क्या हो गया? अच्छा व्लॉग पूरा फिनिश हो गया है, देखिए हमारा ही चैनल ओपन है यहाँ पे, चलो टीवी को बंद कर देते हैं क्योंकि हम दोनों अंदर ही है तो टीवी कौन देखेगा। और अभी मैडम हमारे खाना बना रहे तो खाना खाते खाते वो सीरियल भी देखते हैं, थोड़ा ये हो जाती है ना रोटी फट जाती है ये, तो आपको ये नहीं है ना, इसकी आदत नहीं है ना
अगर आप कंटिन्यू बनाओगे ना तो हो जाएगा, जैसे चपाती अभी आप बनती है, कितनी अच्छी बनाते है ना, पहले खाती थी वो भी ठीक तो। हाँ ना, वही ना, सीखते सीखते ही कोई इंसान सीखता है ना, हर चीज आती थोड़ी है उसको। चपाती अभी आप कितनी परफेक्ट बनाते हैं और कितनी एकदम नरम रहती है, तो ये भी आ जाएगा थोड़े थोड़े दिन, स्लो स्लो करके ये भी सीख जाएंगे आप, बन जाएगा। बट आप हार नहीं मानते हो ना, बनाते हो ना, और ऐसे तो अभी आप कंटिन्यू यही बना रहे हो, तो एक दिन आपके भी इतनी अच्छा शेप आएगा ना ये रोटी का। हाँ देखो कितनी अच्छी बनी फरा की रोटी। हमारा एक वीडियो भी था जो पहले टिकटॉक में आपके रोटी का ही वायरल हो गया था, पता है क्या, चपाती फोरा ने बनाया था तो इतनी फूगी थी ना वो, मैंने ऐसे ही उसको डाल दिया था। हाँ देखो ना कितनी अच्छी लग रही है, अरे वाह, वो फूगी वाली रोटी रहती है ना, ऐसे लग रही है ना। ना मैं उसको पलटाऊंगे, नहीं नहीं उसको फरा के साथ में ना मुझे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कुछ नया। और फरा आप मतलब क्या खाना है? मैं भी यही खाऊंगी अभी नहीं, अगर मैं बनाने वाला हूँ ना आपके लिए, तो आपको क्या खाना है? अच्छा तो अभी अब जो भी बनाएंगे खाऊंगी, तो ना आपको ही मेरे को पहले सिखाना होगा थोड़ा, फिर बाद में मैं खुद मेरे हाथ से बनाऊंगा। अभी हम आए हैं ऊपर टेरिस पे, क्योंकि आज का क्लाइमेट बहुत अच्छा है और कितना ठंडा भी लग रहा है। यही घर का सामने काम चला है, तो सुबह जो आवाज़ आ रहा था ना वो उसी मशीन का है, अभी देखिए वो चालू करेंगे। अभी कुछ काम चला है उनका, ये फरा भी आ गए ऊपर, इतना ठंडा क्लाइमेट हुआ है। इससे ठंडी हवा आ रही है और क्लाइमेट बहुत ठंडा है और अच्छा भी लग रहा है। कहीं जाने का बाहर देखेंगे ना, जाएंगे ना, अच्छा लग रहा ना। ये नारियल के झाड़ अच्छे लगते ना अपने टेरेस पे आए तो। दोपहर से मेरा सिर दुख रहा है आवाज से। काम चला है अपने घर का, अभी क्या कर सकते हैं? हाँ क्या है जीते? ये रोड का भी काम चला है यहाँ पे, ये तो कितने दिन से चला है, देखो वहाँ पे आधा हो गया पर रोड, अभी हमारे यहाँ तक आने का थोड़ा टाइम लगेगा पर आपको, बस बहुत फास्ट हो रहा है काम। फरा ले रहे हो ना गोली? हाँ वही देख रही हूँ। हाँ यहाँ से ले लो। दो दिन से फरा को थोड़ा वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, बट डॉक्टर ने हमें टैबलेट लिख के दिया है, बट हमने लिया नहीं था क्योंकि उस टाइम वो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन अभी दो दिन से इनको हो रहा है तो ये बोल रहे हैं कि अभी लेना ज़रूरी है। कल सुबह 5-6 बजे इनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी, वॉमिटिंग जैसा बहुत फील हो रहा था, तो उससे अच्छा अभी बाहर जा रहे हैं अभी हम भाजी तरकारी लाने के लिए, तो टैबलेट भी ले डालेंगे, है ना। आज थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब सर्दी मेरी कम हो गई लेकिन खांसी मेरी कम ही नहीं हो रही है। कितनी दवा पिया, और फरा ने कल मुझे अडुल सा रहता है ना वो पानी में गरम करके वो भी दिया, कल थोड़ा आराम लगा था लेकिन आज वापस से बहुत खांसी हो गई है। आई थिंक एक बार डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। अभी फ्राइडे के दिन हम जाने वाले थे बाड़े को, तो मैंने बोला था कि फरा को वहीं पर जाने के बाद हम दिखाएंगे, लेकिन कल फ्राइडे को अम्मी अब्बा को भी कुछ काम है तो इस वजह से हमने कैंसिल किया। अभी सैटरडे को हम जा रहे हैं, गाड़ी भी सर्विस को देना है हमें, तो पूरा दिन जाएगा। सुबह मैं फरा को वहाँ पे छोड़ूंगा, फिर मैं वहाँ से काम पे जाऊँगा दूसरी गाड़ी लेके, फिर शाम में आते हुए मैं फरा को साथ में लेके आऊँगा, तो अपनी गाड़ी भी रेडी हो जाएंगी। और अभी अम्मी अब्बा भी आने वाले हैं घर पर, तो हमें भाजी तरकारी टोटली ख़त्म हो गई है घर पर। हमने सोचा था कल जब उधर जा रहे तो वहीं से लेके आएंगे, बट वैसा हुआ नहीं, तो अभी यहीं से लेते हैं नीचे।